Hello guys, welcome back to the channel. I am Aman from KitchenCraft and today we will be discussing that why the modular kitchens are way better than the traditional homemade kitchens. So let's get started with this video. तो जैसे आप अब देख सकते हैं, ये है मेरे सामने दो एक्रेलिक शीटर्स पड़े हैं. बेसिकली जो ये वाइट वाला है, दिस इज ग्लोसी वन, मतलब ये थोड़ा हाई रिफ्लेक्शन ग्लोसी शटर जो काफ़ी कॉमनली यूज होता है, ये वो है. एंड दिस वन हेयर इट इज़ द मैट एडिशन. यू कैन सी ए क्लोजर लुक हेयर. सो जैसे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मैट में लुक है, इस पर ग्लोसीनेस नहीं है. तो ये सुपर मैट शटर इसको कहते हैं हम. तो जैसे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये मेन दो तरह के जो शटर एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये दोनों जो हैं ये पौने इंची बोर्ड, यानी जिसको हम 18 mm बोर्ड कहते हैं, उस पर थिकनेस पे बने हुए हैं. और इसकी फ्रंट और बैक दोनों पे शीट लगी हुई है. तो जो इसका ये फ्रंट, दिस वन इज़ द शाइनी पार्ट, जो ये आपके शटर के जो आपका पल्ला होगा उसके फ्रंट पर आएगा. एंड और इसके बैक पे अगर आप देखें तो ये माइका की शीट है, 0.8 mm जिसको हम कहते हैं, और इसके बैक पे लगी हुई है. सो बेसिकली इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके जो पल्ला है या आपका जो मेन किचन का शटर है, ये कभी भी इसमें बैंड नहीं आएगा. यूजली जब हम घर पे किचन बनवाते हैं तो जो हमारे लेबर या जिससे बनवाते हैं, वो ज़्यादातर इसके फ्रंट पे तो अच्छी शीट लगा देते हैं, बट वो बैक पर शीट नहीं लगाते हैं, जिससे कि हमें आने वाले समय में पल्ले में हल्का सा बैंड नज़र आता है. तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शटर एकदम सीधा है, बिल्कुल लाइक दिस. एंड इसमें और इसमें कभी भी बैंड नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों तरफ से इक्वली इस पर शीट पेस्ट की हुई है. और जो इसमें सोल्यूशन एडहेसिव या जो जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, वो दोनों तरफ से बराबर ही लगा हुआ है, बिकॉज ये एक मशीन मेड प्रोडक्ट है, रेदर देन एक अमूमन जो घर पर एक कारपेंटर बनाता है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है. सेम इस शटर में भी यही सेम केस है. इसके दोनों तरफ सेम कलर की आप देख रहे हैं शीट लगी हुई है. तो ये ऑप्शन हमें मार्केट में मिलती है कि आपको पीछे वाइट में विदाउट ग्लॉसनेस चाहिए, या आपको जो आपका फ्रंट का कलर है वही आपको बैक पे चाहिए. जो आपका ये वाला शटर रहता है जिसके फ्रंट और बैक का दोनों कलर सेम है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. अब जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं शटर में, वो होती है उसके एजेस. तो मैं आपको एजेस पे जूम करता हूँ. तो जैसे आप देख सकते हैं, इसके एजेस एकदम फाइन है, एज यू कैन सी हियर. तो इसी तरह इस शटर के भी एजेस दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से पूरा ये फाइन है. और इसके सेम कलर की एज बेंडिंग की टेप जो है यूज़ की हुई है इसके चारों तरफ, जिससे इसकी लुक और निखर कर आती है और ये थोड़ा सा और एस्थेटिक लगता है आपके किचन में देखने के लिए. तो ये था दूसरा पॉइंट जो आपको घर में किचन पे नहीं मिलता. अमूमन जब वो चिपकाते हैं तो या तो उसकी कटिंग बराबर नहीं हो पाती है जो हाथ से आपका कारीगर काम करता है, इसके कारण आपका जब भी ये पल्ला या शटर जो भी खुलेगा तो इसके एजिस पे आपको हल्का हल्का सा कट दिखेगा. पर अगर आप इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसके कहीं भी पूरा ये सीमलेस एक चल रहा है. तो ये फ़र्क आपको मॉडुलर और उसमें मिल जाएगा, घर में बनाई किचन में आप आसानी से फ़र्क देख सकते हैं. एंड ऑल्सो इन एडिशन, ये जो है इसकी प्लाई रहती है, बेसिकली ये पूरी कैलिब्रेटेड है इक्वली चारों तरफ से, और ये वाटरप्रूफ प्लाई है. और रेगुलरली कंपनीज जो हैं, आप कोई भी ब्रांड लेते हैं तो आपको 7 से 10 ईयर्स की वारंटी पीरियड देती हैं इसके पील ऑफ, कलर चेंजिंग और बैंडिंग पर. तो अगर आपका प्रोडक्ट कभी भी ख़राब होता है तो आप खुद उसे रिप्लेस करवा सकते हैं कंप्लेंट के ज़रिए. और तीसरी जो सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात वो है कि जब आपका ये जो फ्रंट का एक्रेलिक जब पेस्ट होता है, तो जो तो रेडीमेड किचन्स हैं वहाँ पर तो जो ये पेस्ट है वो हो रहा है कोल्ड प्रेस मशीन होती है एक, उसकी मैं फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा आपके वीडियो साइड पे, वो देख सकते हैं. तो उसके अंदर ही पूरा जो 8x4 का बोर्ड होता है 0.25 इंची का, तो वो रखा जाता है और उसके ऊपर एक्रेलिक या आपका जो भी सुपर मैट की शीट है वो रख दी जाती है, नीचे सोल्यूशन या एडहेसिव लगा कर, और वो मशीन उसको बराबरी से चारों तरफ से
प्रेस करती है। अब अमूमन घर पर क्या होता है, जब आप किचन्स बनवाते हैं तो जो आपका कारपेंटरी जो आपका लेबर है वो जो आपकी शीट को नॉर्मली अपने हाथों से या अपने हथौड़े से मारकर उसको प्रेस करता है जिससे उसमें बेंड ना रहे। पर उसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे जैसे वो आपकी शीट रखेगा तो वो शीट पहली रखता है चिपकाकर उसके ऊपर दूसरी शीट का भार आता है। जैसे जैसे वो लेयर्स बनाता जाता है एक के ऊपर एक रखता है तो जो सबसे नीचे वाली शीट है वो तो चिपक जाती है इतने वेट के कारण, पर जो सबसे ऊपर वाली शीट है वो उसमें उसके ज़्यादा वजन ना पड़ने की वजह से उसकी जो फ्रंट पेस्टिंग है उसमें कमी रह जाती है, जिसके वजह से आपको आने वाले कुछ टाइम में उसके ऊपर ढाल या उसमें थोड़े से क्रैक्स दिखने लग जाएंगे। और इवन जब आप उसको टच भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऊपर नीचे है। पर इस वाले केस में ये देख सकते हैं आप, इसकी जो रिफ्लेक्शन है ये जो बल्ब की दिख रही है ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और प्लस जो आपका घर का जो या हम लोकल मार्केट से माइका लेते हैं उसमें आप डिफरेंस करेंगे कि ये इतना क्लियर नहीं होगा। और इसके ऊपर जब भी आप ऐसे हाथ से टच करेंगे तो आपका हाथ ऐसे अनइवन थोड़ा सा जाएगा, बट जो आपके रेडीमेड एक्रेलिक शटर्स हैं वो बिल्कुल सीमलेस और स्मूथ होते हैं। आप कहीं भी अपना हाथ इस पर ऐसे टच कर सकते हैं, करते हैं तो, बट आपको वो सीमलेसली एक तो 0-0 पर ही आपको वो पैटर्न मिलेगा। और सबसे बड़ी मॉडल किचन्स की बात होती है कि हर किचन कंपनी ब्रांड आपको टोटल किचन पे जो आपका कारकेस प्लस शटर्स हैं उस पे 10 से 15 साल की वारंटी पीरियड देती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं, पर आप घर की बनाई किचन में आपको लेबर वाला ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा एंड जिसके कारण आपको फ्यूचर में तकलीफ आ सकती है, क्योंकि जो आपका लेबर है वो तो आपकी एक बार किचन में इंस्टॉल करके वो चला जाएगा। बट जैसे आप किसी मॉड्यूलर कंपनी से किचन परचेज करते हैं तो आपको पता है कि उनका सर्विस स्टेशन या उनका जो शोरूम किचन का है वो कहाँ है, तो आप उनसे वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और वो कंपनी में आपकी ये ऑर्डर प्रोसेस करवा देंगे। तो हार्डली जो मैंने देखा है कि घर में बनाई किचन और मॉड्यूलर किचन में 15-20% जो है वो बजट का फ़र्क आता है। ये 15-20% महंगी है, बट ये आपकी फ्यूचर की जो सारे इनकन्वीनियंस जो आपकी शिकायतें या कोई और दिक्कत है तो उसके लिए आपके पास हमेशा एक पर्सन अवेलेबल रहता है जिससे आप अपनी कंप्लेंट रेफर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अगले स्टेप की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सबसे जो मेन पॉइंट मॉड्यूलर किचन में है वो आता है सेव अप योर टाइम। जी हाँ बिल्कुल, जो आप जब मॉड्यूलर किचन लेते हैं तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा जो कीमती समय है वो बर्बाद होने से बचाती है। क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल फर्म की अगर हम बात करें, सपोज एक XYZ फर्म है उससे आप अपनी डील करते हैं अपनी मॉड्यूलर किचन के लिए, डील में जो आपकी इंक्लूडिंग वो सारा हार्डवेयर हो गया, अपनी लेबर कॉस्टिंग, शटर कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिटिंग चार्जेस, एक्सेसरी और प्लस दो छोटे मोटे जो और भी चार्जेस होते हैं वो सब जुड़े होते हैं, जिससे जो आपका समय इन चीज़ों में खर्च नहीं होता बल्कि आप एक बार उनको पेमेंट उनसे डील करते हैं, उनसे पेमेंट आपकी जो एक्सचेंज होती हैं एंड देन आपका काम स्टेप बाय स्टेप एक सुपरवाइजर के अंडर चलता रहता है। तो और वहीं अगर हम बात करें आप अपनी ट्रेडिशनल होममेड किचन में, तो उसमें जो आप सिर्फ आपके पास एक कारपेंटर होता है और उसको आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो सपोज़ कीजिए जैसे आपका एक कारपेंटर एक किचन बना रहा है तो अब आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद या हर समय बाद कुछ समय बाद वो आपसे कभी प्लाईवुड, कभी लैमिनेट्स, कभी पेच, कील, फेविकोल ऐसी हर छोटी चीज़ की डिमांड करेगा। अगर आप वो समय के अनुसार उसको नहीं ला के देते तो ऑब्वियसली जो आपका काम है वो उस टाइम के लिए रुक जाएगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो अगर आप बट यही मॉड्यूलर किचन लेते हैं तो ये आपका सारा काम एक जो है टीम हैंडओवर करती है पूरा, तो और उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक टाइम पीरियड होता है जो दिया जाता है और उसके दौरान आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई झंझट कहीं से कोई सामान लेके आना, लेके देना या कुछ ऐसी चीज़ें से आप बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपकी किचन आप उसी घर में रह रहे हैं जहाँ आपकी किचन बन रही है, तो आपको बस एक जस्ट मेकओवर कराना है किचन का, तो घर पे जो आप किचन बनाएंगे उससे और भी ज़्यादा दिक्कत खड़ी जाती है। क्योंकि जब एक कारपेंटर काम करेगा तो उसको दिन रात एक बोर्ड को काटेगा, कीलें ठोकेगा, हथौड़ी, आरी, ब्लेड जो कटर होते हैं दिन रात चलेंगे, जिससे आपके घर में शोर तो हो गई और ऊपर से ऊपर जो गंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सबको कुल मिला के आपकी जो कॉस्टिंग है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, पर जो आपकी मुश्किलें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो अब दोस्तों हम अपने
तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 3D विजुअलाइजेशन। अगर आप किसी मॉड्यूलर किचन से आप अपना काम करवा रहे हैं तो आपकी किचन फिट होने से, फाइनल होने से पहले आपको उसकी पूरी एक ड्राइंग 3D रूप में, जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं स्क्रीन्स पे अपनी, तो इस पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी किचन बनने के बाद कैसी दिखेगी। तो इससे कुछ जो टेक्निकल चीज़ें जो आपका एक कारपेंटरी या जो आपके जो टीम वाला है या आपने किचन वाला है वो समझ सकता है, तो इससे वो बातें आपको क्लियर हो जाती है कि हाँ वो क्या आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो शेयर कर दूँगा जिससे आप देख सकते हैं कि हम कैसे 3D बनाते हैं और उस हिसाब से किचन और क्लाइंट का जो भी बजट और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है। और बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप एक चीज़ को पहले ही आपने देखा हो, समझा हो, तो जब तक वो पूरी होती है या जब तक बनते तो आपको और आसानी होती है उसे समझने में भी। अब अगला स्टेप है हमारा शिफ्टिंग द फर्नीचर। तो जैसे अब हम बात करें अपनी मॉड्यूलर किचन की, तो बेसिकली इनमें क्या है कि ये पूरी किचन फीचर से रेडी होके आती हैं और इनमें जो इनके स्क्रूज हैं जिनको हम कनेक्टर भी कहते हैं, वो इनके बॉक्सेस के अंदर जो है हमें टाइट करने होते हैं जिससे ये बॉक्सेस आपस में जुड़ जाएं और टॉप बॉटम से भी ये फिट हो जाएं, ताकि एक वो पूरा आपका कंपार्टमेंट बन जाए और उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बट जैसे आपको ऐसा कुछ हुआ कि आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो जो मॉड्यूलर किचन रहती है उसमें जो आपके बॉक्सेस रहेंगे वो बस एक वुडन जो प्लैंक है या जिसे हम बोर्ड कह सकते हैं उससे पार्टीशन किए होते हैं, जिसको आप बाद में निकाल नहीं सकते हैं। वो एक बार के लिए फिटिंग होती है, वो एक बार होगी तो वो हमेशा के लिए वही रहेगी। अगर आपको कहीं जगह जाना है तो आपको नया काम ही कराना पड़ेगा। पर मॉड्यूलर किचन में आपको सिर्फ जो है अपना ऊपर का जो काउंटर स्लैब है, पत्थर है, सिर्फ वो तोड़ना पड़ता है और उसके नीचे जो भी आपके बॉक्सेस बेस और ऊपर वॉल यूनिट्स हैं वो आप दोनों स्क्रू से खोल सकते हैं और ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मॉड्यूलर किचन का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनके सारे बॉक्सेस जो हैं वो पॉइंटेड माइका से लैमिनेटेड होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल किचन में कई बार पॉसिबल नहीं है या कई बार वो नहीं किया जाता। तो इसके कारण अगर आपकी किचन 8 से 10 साल 12 साल भी पुरानी है तो तब भी ये बिल्कुल सही लगती है दिखने में, और कुछ सफाई करने के बाद बॉक्सेस की ये बिल्कुल एकदम नया लुक देती है। जिस कारण ये जो मॉडल किचन है ये लो मेंटेनेंस भी है, बिकॉज जो आपका मोस्टली सामान है सारा वो वारंटी पीरियड में आता है 10 से 15 साल की। तो अगर इस दौरान आपके किचन में कुछ भी होता है तो कंपनी उसको रिप्लेस करा के देती है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ योर ओन। तो अब दोस्तों हम जो बॉटम लाइन या जो हम कंक्लूजन है वो इसी पे आते हैं। हमने जैसे देखे अपने 4 पॉइंट्स, तो उससे मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होंगे क्योंकि क्यों मॉड्यूलर फर्नीचर घर पे बनाए ट्रेडिशन फीचर से बेहतर है। जिसमें मेन पॉइंट्स जो हमें एक बार ओवरव्यू में देखें, तो बेसिकली जो पहली चीज़ थी वो तो आपकी फिनिशिंग जो मेन है सबसे, आप जो आपका बजट या जो आपके पैसे हैं वो भी सेकंड नंबर पे आएंगे। पर जब आप कुछ भी अमाउंट खर्च करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फिनिशिंग और क्वालिटी देखते हैं, जो मैंने आपको बताई वो किस तरह की है। सेकेंडली आपका जो मेन पॉइंट है वो है वारंटी पीरियड, जो आपको हर चीज़ पे आपकी हार्डवेयर एक्सेसरीज और आपकी किचन पे मिनिमम से मिनिमम 7 से 10 साल तो है ही है, पर कई कंपनीज आपको 15 साल तक भी एक्सटेंडेड वारंटी देती हैं। तो आपको बिल्कुल 10 से 15 साल के बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं अपनी किचन से भी, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं कंपनी के थ्रू। और लास्ट और मेन बात है कि आपके पास एक सेल्स पर्सन जिसने आपको किचन बेची है या आपको जिससे टीम से आपने काम करवाया, तो उनका कॉन्टैक्ट आपके पास हमेशा रहता है और आप अगर किचन में कोई भी दिक्कत या कोई भी आपको सलूशन किसी चीज़ का चाहिए या कुछ और आपको क्यूरियसिटी है जिस किसी बात की भी पूछेंगे तो आप उससे बहुत आराम से पूछ सकते हैं, हमेशा उनको आप अप्रोच कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू हेल्प यू एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। सो ओके गाइज, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ आपको इससे इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हुई होगी। बट अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूँ। और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल भी डाल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी किचन का काम है, अगर आपको अपना एस्टीमेट चाहिए या एक डिज़ाइन चाहिए, तो आप ज़रूर वहाँ पर मुझे मेल करें एंड
हम अगली वीडियो में उसी पर बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे को लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।